स्वादिष्ट हलवा जो व्रत में खाया जाता है। अब हम गैस ऑन करेंगे। ये है घी, ये चीनी, ये मलाई और थोड़ा सा दूध है। और इस मूंगफली को हम भून के इसका छिलका निकाल के रखें। ये अच्छी क्वालिटी में खाया है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसमें घी बहुत ही थोड़ा सा पड़ेगा। जब तक ये गरम हो रहा है हम मूंगफली को पीस लेते हैं। अब ये पीस गया है, इसको अब हम एकदम चूरा कढ़ाई में डाल देंगे। और इसको तब तक भूनते रहेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। अपने आप में ये बहुत ही लाजवाब लगता है। इसमें ड्राई फ्रूट्स हम नहीं डालते हैं क्योंकि इसका टेस्ट अपने आप में ही बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग ड्राई फ्रूट डालना नहीं, इसमें नहीं पड़ता है ड्राई फ्रूट। थोड़ा सा आप अपने बर्ड्स को भी खिला दीजिए। क्या बर्ड्स को खिलाऊं, इसमें चीनी डालते हैं। है तो लोग भी तो चीनी थोड़ा खा लेंगे, चख लेंगे। उसमें क्या, वो थोड़ा सा ही दूंगा मेरे बर्ड। अब ये देखिए इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इसको धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भूनना है। अब इसका कलर चेंज हो गया है, ये सुनहरे कलर का हो गया है। अब इसमें मिलाएंगे हम मलाई, फ्रेश मलाई है और इसमें थोड़ा सा दूध है। ये बहुत सारा धुआं छिड़कता है, तो ध्यान रखें कि आपको भी ना छिड़क जाए। और इसमें अब स्वादानुसार चीनी मिलाएंगे। आपको जितना, आप जितना अपने डाइट के लिए खाते हैं उतना खा सकते हैं। आपको जितना कम या ज्यादा चाहिए जैसा मीठा खाते हैं। अब इसको ये बहुत ही झटपट बनने वाला हलवा है। इसको ठंडा होने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इसको ऐसे ही धीरे धीरे चलाते रहिए और जो गुठलियां हैं उनको आप धीरे धीरे चला के खत्म करें। और जब ये सूखने लगे फिर हम गैस को बंद कर देंगे और ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको चलाते रहिए। अब बस एक मिनट लगेगा इसको बनने में। ये बहुत ही जल्दी बनता है। अब देखिए ये कढ़ाई छोड़ने लगा है, इसका मतलब कि ये हलवा बनकर तैयार है। और मुझे उम्मीद है कि जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो ये हलवा आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब इसको हम सर्व करेंगे। अब ये हलवा तैयार है, इसको अब हम सर्व कर रहे हैं। एक कटोरी बिहार
इसको टेस्ट करेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद ये अभी देखिए, अब ये लजीज हलवा खाने के लिए तैयार है। हलवा तैयार है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स भी जरूर करिएगा। और दोस्तों, मैं अगले वीडियो में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं मूवी गया रहूंगा, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरे वीडियो में ये बोलना ना पड़े। ठीक है, स्टार्ट। आप भी बताइए क्योंकि आपने क्या ट्राई किया कमेंट्स में, और ये भी बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।